हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल मॉम यूट्यूबर। आज का टॉपिक है वॉवल्स। कैसे आप अपने बच्चों को वॉवल्स सिखा सकते हैं। वॉवल्स सिखाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। डायरेक्टली आप बच्चों को ए ई आई ओ यू ना सिखाएं। ऐसे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं और सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट इन सब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को सिखाइए ए टू जी लिखना। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जी। देर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमारे सारे लेटर्स हैं। अब आपको अपने बच्चे को सिखाना है कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। तो आप उनको पहले बता दीजिए कि ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वॉवल्स। तो सबसे पहले यहाँ जितने भी लेटर्स दे रखे हैं इसमें से हमको वॉवल्स को सर्कल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ए ई आई ओ यू। तो हमने जितने भी लेटर्स को सर्कल किया है वो सारे लेटर्स क्या हैं, वॉवल्स। तो जो भी सर्कल किए हुए लेटर्स हैं वो तो हुए वॉवल्स, और जितने भी लेटर्स बाकी के रह गए हैं जिन्हें हमने सर्कल नहीं किया है वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कंसोनेंट। इस तरह से आप समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिनमें से ये 5 ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवल्स, और बाकी सारे जो बचे हुए लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंसोनेंट। ए ई आई ओ यू आप इस तरह से समझा दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को ए ई आई ओ यू इस तरीके से प्रैक्टिस करने को दीजिए। आप इंग्लिश की जो 4 लाइन्स वाली कॉपी होती है आप उसमें करा सकते हैं। ये मेरे बच्चे की स्कूल की प्री सेट इंग्लिश की बुक है, उसमें इस तरीके से दिया हुआ है जिसे इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जब आपके बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद एक ईजी वे है जिसे आप अपने बच्चे को लर्न करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से सिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, बच्चे के हैंड पे लिखना है ए ई आई ओ यू। आप इस तरीके से बच्चे के हैंड पे लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। इसको हम सर्कल कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो ये हमने सर्कल कर दिया इस तरीके से। अगर आप बच्चों को हाथ पे ही ऐसे लिख देंगे ए ई आई ओ यू तो बच्चों को बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। जब भी आप इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में उनके ब्रेन में सेट हो जाता है और उनको ये चीज़ें याद रहती हैं।
इसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, एक हाथ पे आपने ए ई आई ओ यू लिख दिया, आप एक काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना के उनको याद करवा सकते हैं। जैसे कि ए फॉर एंट, ए फॉर एंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। तो ए और ई, एंट और एलिफेंट दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और इन दोनों को एक दिन मन किया कि हम आइसक्रीम खाएं, आइस, आई फॉर आइसक्रीम। तो एंट और एलिफेंट दोनों कहाँ गए, आइसक्रीम खाने। और उन दोनों को आइसक्रीम कौन सी पसंद थी, ऑरेंज फ्लेवर की, ओ फॉर ऑरेंज। एंट एलिफेंट दोनों मिलकर गए आइसक्रीम खाने, कौन सी फ्लेवर की, ऑरेंज फ्लेवर की। और दोनों ने आइसक्रीम कहाँ खाई, अंडर दी अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और बच्चों को बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। तो ये है एक सिंपल और इजी तरीका बच्चों को वाउल सिखाने का, जिसमें आपको सबसे पहले 26 लेटर्स लिखवाने हैं, उसमें से वाउल्स को सर्कल करने को कहना है। इसके बाद बच्चों को वॉवल्स की राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, देन उसको आप इस तरीके से हैंड पे ए ई आई ओ यू लिखवा कर स्टोरी नरेट कर कर वॉवल सिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल बटन दे रखा है उसे भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें। Thanks for watching. Happy learning.